बॉम्बे ब्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एंट ऑफ हिल पे, गणेश शंकर के सामने। एक व्यक्ति जिनकी उम्र 28 वर्ष की थी और उनका नाम था अंकुश, 20th अगस्त को उसका बाइक में एक एक्सीडेंट हुआ था एंट ऑफ हिल की तरफ, जहां पर फिर साइन हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। आइए हम साइन हॉस्पिटल की पूरे वाकयात के बारे में उनकी सिस्टर की जुबानी जानते हैं कि आखिर में पूरा वाकयात जो है वो क्या हुआ था। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि 20th और अगस्त में अंकुश का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में उसे एडमिट किया गया, उसके बाद का वाक्य बताइए। एडमिट करने को हम लोग लेके गए, जब पुलिस वाला ही वहाँ डाला था, बाद में उसका जो सुबह डाला हुआ उसका इलाज ही नहीं हुआ। शाम को पूरा 11 घंटे के बाद उसका इलाज हुआ, और होने के बाद में भी उधर देखा तो इधर उधर भगा ही रहा था। एक बॉडी उधर फेंका, एक बॉडी इधर फेंका है, देख रहा ही नहीं अंकुश को। और फिर बाद में बोला सीटी स्कैन जरूरी है, सीटी स्कैन करके लाया, बोला दिमाग में मार लगा हुआ है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करने के लिए हम लोग साइन किया, ऑपरेशन किया उसका, ऑपरेशन करने का वो 4-5 घंटा उसको लेके गया, फिर वो बेहोश था, होश में नहीं आया। फिर 3-4 दिन के बाद जब होश में आया, हाथ पैर सब हिलाया, तो बोले उसको खाना खिलाना है करके, यहाँ से खड्डा करके पाइप डालना है करके, एक साइन मंगा। जब ही पहला ऑपरेशन किया, यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि बोला क्या उसको बाथरूम आ गई है, उसको हगीज चाहिए। तो मैं उसकी बहन हूँ, मैंने बोला जाके मैं देख लूँगी करके चादर हटाया, क्योंकि मामा नहीं था वहाँ पर काम करने वाला। चादर हटाया, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, और बाद में जहाँ यहाँ करने के बाद में यहाँ से यहाँ चीरा हुआ है। हम लोग पूछा ये इधर ऑपरेशन हुआ, इधर क्या है, तो बोलता है यहाँ का जो निकाल के यहाँ रखा हुआ है, यहाँ का निकाल के यहाँ कैसा रख सकता है। और दूसरी बात है, जब भी उसकी बॉडी भी हम लोग लेने जा रहे हैं, और बॉडी भी हमारा बॉडी नहीं दे रहा, दूसरे का दे रहा है, और ये किडनी का भी निकालो, तो जब भी बात बदल के बात कर रहा है। पूरा साइन हॉस्पिटल पूरा है ना नुकसान दे रहा है, किसी का अच्छा कर नहीं रहा है। इनका कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक किडनी रैकेट का काम जो है साइन हॉस्पिटल कर रही है। इससे पहले भी ऐसे कई मामला जो है वो देखा गया है, हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने लोगों तक पहुँचाई है साइन हॉस्पिटल के कई बातें। आगे की जानकारी लेते हैं और बताइए। और उसको ये भी बोला क्या, अभी है ना मुझे बुलाया रात को 2:30 बजे, बोला 2 बार हार्ट अटैक आया, तुम 15 मिनट रुको। डॉक्टर को पता है क्या 15 मिनट के बाद फिर हार्ट अटैक आएगा? कोई भी नहीं बता सकता हार्ट अटैक 1 साल के बाद आता है या 2 मिनट के बाद। डॉक्टर बराबर बोल रहा है 15 मिनट के, क्योंकि उसको कोई इंजेक्शन दिया है, वो इतना घंटे में मरने वाला है, पूरा डॉक्टर को पता था। इसलिए वो मेरा भाई गया दुनिया से। आज हम लोग को जो भी चाहिए सिर्फ इंसाफ चाहिए। उसके बाद में एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। उसके बाद में जो है पोस्टमार्टम के लिए कहा गया, ठीक है, और पोस्टमार्टम के बाद आप जब बॉडी लेने के लिए जाते हो तो आपको अंकुश के बदले में किसी और की बॉडी मिलती है? दिखाया हम लोग, निकाले अंकुश को, ये हमारी बॉडी है। उतने में घर से फोन आया, क्या गांव वाले आ रहे, 1 घंटा और रखो। हम लोग ने हमारी बॉडी वापिस रख दिया। दूसरी टाइम हमारी बॉडी लेने गए तो बोले सफ़ेद कपड़ा ला, और कोई बुड्ढे का बॉडी लपट के हमको दे दिया। हम लोग नीचे ला के देख रहे, अरे ये अंकुश नहीं बुड्ढा है। फिर रिटर्न गया तो बोलता तुम्हारा पूरा आधार कार्ड सब हो गया, तुम्हारा बॉडी तुमको दे दिया, ऐसा करके हमारे साथ में उल्टा सीधा कहा। ये हमारा नहीं हुआ, और एक जन का हुआ है साथ में, वो भी इधर आयल है, उनका भी बॉडी उसी दिन गुल हो गया है। तो आखिर में अंकुश की बॉडी जो है वो कहाँ गई? वो पता नहीं है, उन लोग ने किसी को दे दिया, क्या किया, बेच दिया, या किडनी का हम लोग बोलने वाला करके डर के हटा दिया, ऐसा कुछ किया है, पर अंदर अंदर ही उन लोग ने किया है। इस मामले के बारे में केस रजिस्टर किया गया है अभी तक? नहीं, कोई भी कुछ ले ही नहीं रहा है। पुलिस बोलता है यहाँ से लेटर आने दो, उधर से आने दो, हर जगह पे गरीबों का फायदा उठा रहे, ऐसा हो रहा है। कोई किसी भी मतलब इन लोग को कोई देख नहीं रहा है। आ रहे आप लोग जैसे आ रहे, लिख रहे, बोल रहे, चले जा रहे। कौन से पुलिस स्टेशन में आप लोग केस दर्ज करने गए? है ना साइन माटुंगा, दोनों जगह गए थे। आखिर में ऐसी कौन सी दबदबा है जो कोई पुलिस स्टेशन जो है इस केस के बारे में आगे नहीं बढ़ रही है? आखिर में ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया और इसके पीछे कौन है जो इन सब केस को जो है दबा रहा है? आइए हम उनके पिताजी से भी बात करते हैं। सर, बहुत ही दुर्घटना की बात है, आज आपका बच्चा जो है हमारे बीच में नहीं है, इस बारे में क्या कहोगे? क्या कहूँ, बोलो क्या बोल क्या। अरे पापा, आज अंकुश जो है इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही दुर्घटना की बात है, सदमे की बात है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फक्त इंसाफ पाए, फक्त इंसाफ मांगते हैं।
और क्या क्या बताना चाहोगे? क्या बताना, वही बोलो। सर इनके सब देखने वाली मैं हूँ, इनको इंसाफ चाहिए, नहीं तो अंकुश का बॉडी चाहिए, दो में से एक चीज चाहिए। बॉडी दे दो हम लोग सब खत्म कर देंगे, या तो इंसाफ दे दो, बस यही करना है और दूसरा कुछ नहीं करना। आप लोग सब हमारा साथ दो, इंसाफ दिलाओ और कुछ भी नहीं चाहिए। पूरा एरिया तुम्हारे से इंसाफ ही पूछ रहा है। ये मेरे माँ बाप गरीब है, किसी को कुछ जवाब नहीं दे सकते। आप जैसे 10 आके गए सुबह से, किस किस को हम लोग जवाब देंगे? आप लोग कोई एक खड़ा रहो, फिर इंसाफ दिलाओ हमको, बस इतना काम करो। जैसा कि इनका कहना यह है कि हमें सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत है और कुछ नहीं, या तो फिर अंकुश की बॉडी यहाँ पर हमारे सामने आ जानी चाहिए। अब देखना यह है कि इस केस में कब रंग लाती है पुलिस कर्मचारी। और हमारे महाराष्ट्र के सीएम से भी दरख्वास्त है, उद्धव ठाकरे साहब से, कि ऐसे केस के ऊपर तुरंत जो है एक्शन लिया जाए और जो इन केस के जो किए हुए हैं लोग उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये बॉम्बे प्रेस के माध्यम से भी हम उद्धव ठाकरे साहब सीएम जो है हमारे महाराष्ट्र के, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।